आखिर करण जौहर की फिल्म कभी अलविदा ना कहना की ओरिजिनल कास्ट में कौन से एक्टर्स थे, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में पूरी बात। लेकिन सबसे पहले नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाय। अगर मैं बात करूं फिल्म कभी अलविदा ना कहना की, तो अच्छा परफॉर्मेंस दिया था इस फिल्म ने। साथ ही साथ इस फिल्म की कास्ट की अगर मैं बात करूं तो अमिताभ बच्चन थे, रानी मुखर्जी, हमारी प्रीति जिंटा थी, अभिषेक बच्चन और तो और शाहरुख खान थे। तो अपनी परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा एंटरटेन किया था इन सभी कास्ट ने। और बात करूं मैं ओरिजिनल कास्ट की, तो करण जौहर के दिमाग में देखा जाए तो शाहरुख खान थे और काजोल थी, रानी मुखर्जी और अजय देवगन। मैं आपको बताना चाहूंगी कि काजोल देखा जाए तो रानी मुखर्जी का कैरेक्टर प्ले करने वाली थी और रानी मुखर्जी प्रीति जिंटा का कैरेक्टर प्ले करने वाली थी, लेकिन कुछ बात बनती नहीं है जिसके चलते स्केड्यूल भी काफी ज्यादा बिजी रहता है काजोल का उस टाइम पे, जिसके चलते वो नहीं हमें दिख पाती है इस फिल्म के अंदर। और अजय देवगन की अगर मैं बात करूं तो वो अभिषेक बच्चन का रोल प्ले करने वाले थे, कहीं ना कहीं बात नहीं बनती है, जिसके चलते हम इन मतलब जोड़ी को यानी कि काजोल और अजय देवगन को इस फिल्म के अंदर नहीं देख पाते हैं। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि सोचिए अगर इस फिल्म के अंदर अजय देवगन और काजोल होती तो किस तरीके की ये फिल्म बनती, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और ऐसी डिड यू नो इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई।